गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा हमारा इस कोविड 19 के पीरियड में भी कंटिन्यू जो हम लोग क्लास कर रहे हैं और पर डे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते चले जा रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और यही चीज़ हमें अपने रिजल्ट के प्रति डेडिकेशन को दिखाता है और यही मेहनत, यही डेडिकेशन आपका जो है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी डेडिकेशन और मेहनत को हमको, आपको, सभी को कंटिन्यू मेंटेन करके चलना है। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमारा रिजल्ट कैसे होगा। रिजल्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका हो तो आपके रिजल्ट अगर होते हैं तो आपके पेरेंट का, आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। जब आपका रिजल्ट होता है तो हमारा भी नाम अच्छा होता है कि हमने भी कुछ मेहनत किया तो उसका फल हमें मिला। मेहनत हम दोनों मिलके करते हैं, ठीक है, और आपके मेहनत से उसका फल हमें भी मिलता है तो उसकी खुशी हमें भी होती है। और तीसरा, उस जिस इंस्टीट्यूशन में आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आप जुड़े हैं, तो उसके भी नाम होते हैं। तो ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रात दिन कोशिश करते हैं कि हर किसी का रिजल्ट हो और आप भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मलेरिया के बारे में डिस्कस किए थे और मलेरिया में हम लोगों ने पूरा का पूरा उसका साइकिल कंप्लीट किया था कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काउज करता है वह दो होस्ट को अपनाता है, उसमें से एक होस्ट है ह्यूमन बींग्स और दूसरा होस्ट है उसका फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो। दोनों होस्ट में वह एक में सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है यानी ह्यूमन बींग्स में और दूसरे में सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है यानी कि फीमेल मॉस्किटो में। तो ये सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, रिविजन कर चुके थे। अब हम लोग उसके आगे नेक्स्ट देखना है हम लोगों को कि जो प्लाज्मोडियम है उसके बहुत सारे स्पेसीज हैं और उस प्लाज्मोडियम के सिर्फ चार ऐसे स्पेसीज हैं जो अलग अलग तरह के मलेरिया काउज करते हैं। उन्हीं चारों का हमें नाम जानना है, ठीक है, कि वो कौन कौन से स्पेसीज हैं और कौन कौन से जो है वह मलेरिया काउज करते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। तो ह्यूमन स्पेसीज में प्लाज्मोडियम जो है वो फोर टाइप्स के मलेरिया करता है। स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काउज फोर टाइप्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं और उसमें से सिर्फ चार ऐसे स्पेसीज हैं जो मलेरिया को काउज करते हैं। जैसे फर्स्ट स्पेसीज है प्लाज्मोडियम वाइलेक्स, प्लाज्मोडियम वाइलेक्स से होने वाला मलेरिया जो है, सबसे पहले तो इससे होने वाला मलेरिया मोस्ट कॉमन है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है और इंडिया में तो खास करके बहुत ही कॉमन है यह। और ये कौन सा मलेरिया काउज करता है, तो इट काउज बेनाइन टर्सियन मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइलेक्स है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है चारों स्पेसीज के नाम और कौन से स्पेसीज से कौन सा मलेरिया होता है उनके नाम हमें याद रखना है। तो जैसे हमने आपको यहां पर लिखा प्लाज्मोडियम वाइलेक्स, तो याद रखो कि प्लाज्मोडियम वाइलेक्स से होने वाला मलेरिया कौन सा है, बेनाइन टर्सियन मलेरिया इसको बोलते हैं। इसमें इसका
इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 डेज का है और इसमें रिकरेंस ऑफ जो फीवर है वह 48 आवर्स में होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया में क्या साइक्लिक फीवर आता है, तो साइक्लिक फीवर का मतलब कि हर 48 आवर में, किसी में 72 आवर में दोबारा से फीवर आएगा। ठंड लगना तेज बहुत ज्यादा, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर राइज अप टू 106 फारेनहाइट तक चला जाता है, 106 फीवर हो जाता है। इसमें बहुत ठंड भी लगती है, बहुत स्वेटनिंग होता है, ये सब सिम्टम्स हम लोग मलेरिया के देखेंगे। तो इसमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 14 डेज है और रिकरेंस ऑफ फीवर जो है इसका कितना है तो वो 48 आवर्स के लिए होता है। यानी हर 48 आवर में जो है वो फीवर इसमें आ सकता है और आता ही है। तो ये इस तरह से, तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मतलब कौन सा, तो बेनाइन गार्सियन मलेरिया आपको याद रखना है, इतना मिनिमम है। और ये मोस्ट कॉमन होता है कहाँ, तो इंडिया में, इंडिया में मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन इन कॉमन इन इंडिया कहने का मतलब कि जो ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका है, कुछ अफ्रीकन कंट्री है वहां पे कम मिलता है, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में ये लिया हुआ है। सेकेंड देखिए, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम को कहते हैं कि मोस्ट किलर प्लाज्मोडियम, यानी सबसे ज्यादा इंडिया में अगर मलेरिया से मरते हैं तो वो किस वजह से, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से होने वाले मलेरिया से। इट इज मोस्ट किलर इन इंडिया बिकॉज ये क्या कॉज करता है, कौन सा मलेरिया, तो ये जो है वह मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करने वाला है। और इसी मैलिग्नेंट मलेरिया का नाम दो तीन और हैं, जैसे एसटीवीओ, एसटीवो, एसटीवो मलेरिया, परसीनियस मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया। तो ये इतने सारे नामों से मैलिग्नेंट मलेरिया का ही जो है वह इतना सारा नाम है, तो इतना सबसे कॉमन नाम जो है वह मैलिग्नेंट मलेरिया ही है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है वह कौन सा मलेरिया काउज करता है, ये बहुत बार पूछ चुका है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एसटीवीओ ऑटोमनल ऐसे पूरा नाम है इसका, एसटीवीओ ऑटोमनल, ये हो गया एसटीवीओ ऑटोमनल, फिर परसीनियस और सेरेब्रल मलेरिया। अगर इसका आप इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे तो यह 12 डेज के लिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंड रिकरेंस ऑफ फीवर की बात करेंगे, रिकरेंस ऑफ फीवर तो इसमें भी 48 आवर्स के बाद में आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन देखिए, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी जो है वह कम मिलता है, ये मोस्टली जो है वह श्रीलंका हो गया या अफ्रीकन कुछ कंट्री है वहां पर ज्यादा है। तो इट इज मोर कॉमन इन
मोन कॉमनी ट्रॉपिकल अफ्रीका श्रीलंका बर्मा इटीसी ठीक है। तो यहां पर इंडिया में थोड़ा कम होता है। और अब अगर इससे होने वाले मलेरिया का नाम पूछें तो ये कौन सा तेट कॉफ क्वार्टर मलेरिया। और ये जो मलेरिया काउज करता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा, इंक्यूबेशन पीरियड को शॉर्ट में आईपी भी लिखा रहता है कहीं कहीं किसी बुक में, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। मैं लिख देता हूं इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड को शॉर्ट में आईपी से भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो आपको ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कहीं पर ऐसे आईपी का दो दो चीज होता है। आईपी का भी कोई पारासीटामोल का कोई टैबलेट अगर खरीदेंगे, पूरा 10 स्ट्रिप का एक पत्ता जो आता है ना वो खरीद लो आप, या कोई भी एंटीबायोटिक लोगे तो उसमें भी जो है जैसे पारासीटामोल अगर ले रहे हो, ये हम एक बात बता रहे हैं पारासीटामोल, और पारासीटामोल 500 mg और यहां पर आईपी लिखा रहेगा। तो वहां पर आईपी का मतलब होता है इंडियन फॉर्मूली, यानी इंडिया के फॉर्मूला के हिसाब से 500 mg दिया हुआ है। उसी तरह कोई एंटीबायोटिक्स है एमोक्सिसिलिन 500 mg, मतलब आईपी वहां पर लगा, मतलब इंडियन फॉर्मूला के हिसाब से आईपी, मतलब वहां पर वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर आईपी का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, मैंने आपको इस तरह से अलग अलग बता दिया। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ये 28 डेज तक का इंक्यूबेशन पीरियड दिखाता है। और साथ ही इसके इंक्यूबेशन पीरियड में 28 डेज का ड्यूरेशन गैप रहेगा, और यह जो रिकरेंस ऑफ फीवर है इसका रिकरेंस ऑफ फीवर यह कितना देर में, तो 22 आवर्स में रिकरेंस ऑफ फीवर को दिखाएगा, टोटल 72 आवर्स में। तो इस तरह से हम लोग तीनों पार्ट को देखें। अब अगर आपका ऊपर तक का ये बात हो गया है तो उसकी आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट कॉमन, और लास्ट में अभी हमारे पास आने वाला है प्लाज्मोडियम मलेरी के बाद में प्लाज्मोडियम ओवेली। तो जैसे ये मोस्ट कॉमन है, ओवेली द मोस्ट रेयरेस्ट, वो बहुत रेयर में होता है ठीक है। और उससे होने वाला जो मलेरिया है वो माइल्ड टर्सियन मलेरिया है। यहां पर क्या लिखे हैं हम लोग, बेनाइन टर्सियन, और उससे होने वाला माइल्ड टर्सियन। तो चूंकि इसे मिटाना है इसलिए इससे रिलेटेड बातों को यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो देखेंगे अब हम लोग प्लाज्मोडियम ओवेली। प्लाज्मोडियम ओवेली इट इज रेयरेस्ट, और यह भी ज्यादातर अफ्रीका या ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्री जो है उसमें देखने को मिलता है। अकर इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, और इससे होने वाला जो मलेरिया है इट कॉज कौन सा, तो इससे होने वाला मलेरिया है माइल्ड टर्सियन, MILD माइल्ड टर्सियन मलेरिया।
ओके, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अभी 14 डेज का होगा, कहीं 14 डेज कहीं 12 डेज भी मिल जाता है, बट इन जनरल 14 डेज तक हाइएस्ट लेकर के चल सकते हैं हम लोग। और इसमें भी जो रेफरेंस ऑफ फीवर है वो 48 आवर में, रेफरेंस ऑफ फीवर 48 आवर में, तो इसमें इस तरह से रेफरेंस ऑफ फीवर इसका, ये चारों जो है वह आपको इम्पोर्टेंट, ये एक जगह मैंने बताया आपको इनसे कौन कौन से होने वाले मलेरिया है और किस मलेरिया से क्या क्या, कितने दिन का इंक्यूबेशन, कितने दिन का क्या बाकी चीज होने वाला है। अब एक चीज देखिए कि सिम्टम्स हम लोगों को देखना है मलेरिया का क्या क्या होता है, तो मलेरिया के सिम्टम्स को अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग इन जनरल बात कर रहे थे और ये चारों टाइप हम लोगों ने देख लिया, तो आप हमेशा याद कैसे करो, आप चारों का नाम बस पी वाइगस, उसके बाद पी फालसी पैरा, उसके बाद पी मलेरी और उसके बाद पी ओवेली, ये चारों को इस तरह से लिखिए। और पी वाइवेक्स से होने वाला मलेरिया कौन सा था, तो पी वाइवेक्स से होने वाला मलेरिया बेनाइन, और फालसी पैरम से होने वाला मलेरिया कौन सा है, फालसी पैरम से होने वाला है मैलिग्नेंट, उसके बाद मलेरिया से होने वाला कौन सा है, तो क्वार्टन, और पी ओवेली से होने वाला कौन सा है, तो माइल्ड टर्सियन, ठीक है। इस तरह से लिख करके आप तीन बार चार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम लोग अपने टाइम पर इसको कैसे याद रखते हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग हमेशा बीएम क्यूएम ले लेते थे, बीएम क्यूएम, ठीक है। और आप सीक्वेंस अगर ये सिक्स रखोगे तब कि हमें पहले वाइवेक्स रखना है, उसके बाद फालसी पैरम रखना है, तब मलेरी रखना है, तब ओवेरी रखना है, तो आप इससे जो है ना आप थोड़ा आसानी से कर सकते हो बीएम क्यूएम। बाकी आप अगर कुछ अपना शॉर्ट बनाना चाहते हो, अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा पूछता है आपको, इंक्यूबेशन या आपको रिकरेंस ये सब नहीं है कुछ, लेकिन ये आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए कॉलम दे देगा, कॉलम में मिलाने के लिए दे देगा आपको। अब आप कंफ्यूज, एक कभी अगर सीक्वेंस थोड़ा सा भूले या किससे कौन सा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद है, छह महीने के बाद का चीज, या याद करो कि जब क्लास इलेवेंथ में, अभी ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, याद करो उसमें से कितनी चीजें आपको याद है। तो सिलेबस जितना ज्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे वही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं, हमेशा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो हम लोग सिम्टम्स की बात करेंगे, मलेरिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो आप जान जाओ कि इसमें साइक्लिक फीवर होता है, हर एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद में दोबारा से फीवर का आना, तो साइक्लिक फीवर बहुत ही कॉमन फीवर होगा, तो हेडेक भी होगा, ठीक है, हेडेक, उसके बाद में बॉडी पेन। अब उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो बॉडी का खास या स्लीपलेसनेस, नींद सो नहीं पाना, लॉस ऑफ एपेटाइट,
भूख नहीं लगना, ये सब कॉमन बातें हैं जो मलेरिया के डॉक्टर के पास आप जाके जब आप जैसे ही कोई सिम्टम्स में से एक दो सिम्टम्स ऐसा बताओगे तो सबसे पहले डॉक्टर समझ जाएगा कि मलेरिया से ही ये सफर कर रहा है। जैसे ही आपने बोला कि हर शाम को फीवर आ जाती है या बोला कि हर दोपहर को फीवर आ जाती है, आज दवा खाते हैं ठीक रहता है, दो दिन के बाद ठीक फीवर आ जाता है, डॉक्टर पूछे कितने दिन से ऐसा हो रहा है, तो पहला तो ये चीज वो समझ लेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिक फीवर। उसके बाद में खूब ठंड लगना, बहुत ज्यादा ठंड लगना, चिलीनेस जो है वह बहुत ज्यादा होगा, ठंड बहुत लगेगी, एंड साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइज अप टू 106 फारेनहाइट तक चला जाता है। ये कितना है फारेनहाइट में, यानी कि जब थर्मामीटर आप लगाते हैं तो ये लास्ट का है, जनरली 106-107 तक ही रहता है थर्मामीटर, तो उतना तक चला जाता है, उससे भी ऊपर जा सकता है लेकिन ये जनरली इतना तक में ही चला जाता है। एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्वेटनिंग होगा, तो रात और खास करके नाइट के टाइम पे ओवर स्वेटिंग। तो ये सब जो है सिम्टम्स जो है वो कॉमन सिम्टम्स है किसके लिए, तो ये सब सिम्टम्स मलेरिया के लिए हैं। और ये सब सिम्टम्स से ही अंदाज, जैसे ही आप किसी डॉक्टर को जाके बोलेंगे कि ये सब हमें हो रहा है तो वो डॉक्टर तुरंत जो है वो समझ लेगा कि अच्छा, यानी कि ये कंप्लीटली मलेरिया का ही पेशेंट है। उसके बाद में देखिए, एक मलेरिया से इतने ज्यादा लोग मरते हैं इंडिया में कि उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया। तो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी कि इसको रोकथाम कैसे करेगा, तो उसके लिए यानी कि पार्टिकुलर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में पार्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मलेरिया के सब बहुत ज्यादा पेशेंट इंडिया में मरते हैं, और अभी भी जितना एक साल में मलेरिया से लोग मर जाते हैं उतना भी COVID-19 से नहीं मरे, ये जान जाइए। गवर्नमेंट ने COVID-19 पे इतना फोकस किया है कि बहुत कम केस रेट है अभी भी हमारा अदर कंट्री के रिस्पेक्ट में। मलेरिया इतना ज्यादा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तीन डिजीज ऐसे हैं जो हजारों पेशेंट को एक साल के अंदर लेके निकल जाते हैं। तो वो तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मलेरिया को, यानी मलेरिया के रोकथाम करने के लिए एक अलग सा क्या किया, गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक अलग बॉडी बना दी, तो कंट्रोल ऑफ मलेरिया। कंट्रोल ऑफ मलेरिया में NMEP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इरेडिकेशन, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम इज रन बाय आवर गवर्नमेंट बिकॉज ए लॉट ऑफ death occurs due to this disease। तो जिसके वजह से, और इसी वजह से देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो है बार बार बारिश के टाइम पे पुराने टायर, नारियल पानी जो पीते हैं उसमें,
पानी को नहीं जमा होने दे, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो है वह मलेरिया के लार्वी जो है वह ग्रोथ करते हैं। मच्छर होगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा मलेरिया होने का खतरा, क्यों? क्योंकि मलेरिया डायरेक्ट हमारे अंदर नहीं आ रहा है, मलेरिया को कोई ले करके आ रहा है, तो ले करके कौन आ रहा है? वो मच्छर लेके आ रहा है, और वो मच्छर का ग्रोथ उस जमे हुए पानी में बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार कहती है कि आप किसी भी पुराने बरसात के पानी को अपने घर के आसपास कहीं जमा होने न दें। इसीलिए अब आइए देखिए मलेरिया का ट्रीटमेंट। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है वह क्या है, अभी तो बहुत ज्यादा नाम फेमस हुआ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये डिमांड किया इस दवा के बारे में, तो सभी लोगों ने इसका नाम जान गया। तो एक्चुअली में एक ड्रग है जिसका नाम है क्यूनिन, QUININE क्यूनिन। क्यूनिन जो है, क्यूनिन इज ओल्डेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए क्या है यार, एक ओल्डेस्ट ड्रग है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम और फिर इस कंपोनेंट को कहां से लेते हैं, तो एक सिंकोना करके ट्री है, ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना ट्री बार या द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। तो जो सिंकोना प्लांट है उस प्लांट का जो बार्क है वहां से इसको, इस क्यूनिन को हम लोग लेते हैं। और यह क्यूनिन जो है वह सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे बेस्ट जो है वह एक दवा है। तो ये जो हम लोग जान रहे हैं नाम, जैसे क्या नाम अभी बहुत ज्यादा फेमस है, तो वह है हाइड्रोक्सी क्लोरी क्यूनिन आया ना, क्यूनिन आया ना इसमें, तो वही हाइड्रोक्सी क्लोरी क्यूनिन जो है वह क्यों फेमस है, तो वह मलेरिया के एक्चुअल में दवा है जो अभी COVID-19 में भी काम कर रहा है लोगों को बचाने का। बहुत सारे कंट्री ने डिमांड किया इंडिया से, जैसे इजराइल ने डिमांड किया, अमेरिका ने इसको लिया, ब्राजील ने डिमांड किया, तो यानी जो भी इंडिया के करीबी दोस्त हैं कंट्री वो उसका डिमांड किए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ये बनता है। और दूसरे भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो बनता है वो नेचुरल सोर्स यानी सिंकोना प्लांट से बनता है, इसलिए इम्यूनिटी को ज्यादा बढ़ाता है। तो ये और भी बहुत सारे ड्रग हैं जैसे पाराक्यूनिन हुआ, तो ये सब जो है या पाराक्यूनिन एटीसी पार्क्यूट क्यूनिन, ये सब बहुत सारे ड्रग जो है इसके हैं। अब आइए देखिए ट्रीटमेंट के बाद में है प्रिवेंशन, इसको कैसे और रोक सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, गंबुसिया फीस है, पूछता है ये चीज जो मॉस्किटो के लार्वी को खाने का काम करता है। तो ऐसा कोई भी इंसेक्ट हो, ऐसा कोई भी फिश हो या ऐसा कोई भी प्लांट हो जो उस मॉस्किटो के लार्वी को खाने का काम करता है, वह हमें क्या करेगा, मलेरिया के प्रिवेंशन में मदद करेगा। तो वैसे कुछ बहुत सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें इससे बेनिफिट दिलाते हैं यानी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं। तो जैसे डक भी हो गया, लार्वी लार्वी बोरस प्लांट या फिश जैसे गंबुसिया भी हम नाम बताए थे आपको, या ड्रैगन फ्लाई हो गया, या इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट में एक नाम भी है ये यूटिनिकुलेरिया। तो प्रिवेंशन में डक इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक यूटेरिकुलेरिया
लार्वी बोरास्थीस यानी गंबुसिया और इंसेक्टिवोरस एटीसी। तो ये सब जो है वो क्या करते हैं, मलेरिया को रोकथाम करने में मदद करते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है वो मलेरिया के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो आपको जानना है, ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट में आपको ये क्यूनीन, क्यूनीन के साथ में सिंकोना प्लांट को याद रखना है। क्यूनीन जो है वो ओल्डेस्ट ड्रग है और वो कहां से मिलता है, तो बार्क ऑफ सिंकोना से मिलता है। एनएमईपी आपको याद रखना है, ये एनएमईपी पूरा नाम जो है नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम भी पूछता है, ये आपको याद में रखना है। साथ ही साथ कुछ इंसेक्टिवोरस जैसे खास करके गंबुसिया के बारे में और डक के बारे में कॉमन है ये पूछ देता है, तो ये सब जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये मलेरिया जो है वो अब हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इतना बड़ा है मलेरिया, हमने बोला था आपको कि जितने भी डिजीज दिए हैं उसमें सबसे बड़ा, सबसे डिटेल जो है वो मलेरिया को हम लोगों को जानना है। हम लोग जब ग्रेजुएशन ये बायोकेमिस्ट्री कर रहे थे तो वहां भी मलेरिया का पूरा जानना था, तो हम लोग को पढ़ाने के लिए डॉक्टर आते थे, तो वो हमारे कॉलेज के पास में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज भी है जिसका नाम है पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, पीएमसीएच। तो वहां के जो डॉक्टर आ रहे थे हम लोग को पढ़ाने के लिए, तो वो उन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट ध्यान दिया था प्रिवेंशन में, शायद आप लोग जानते हो ना, मॉस्किटो नेट के बारे में जिसे मच्छरदानी भी कहते हैं। तो जब एक दिन क्लास में खड़ा कराए और पूछे कि दोबारा से पढ़ाने के बाद ये मलेरिया के रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, सबने बहुत सारा चीज बताया लेकिन किसी ने मच्छरदानी नहीं बताया। वो क्या किए कि वो इसीलिए जो है वह, क्योंकि उस समय मलेरिया से बहुत ज्यादा लोग मरते थे, उनके यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट मलेरिया के आते रहते थे, तो वो लोगों में ये इस चीज के लिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है मच्छरदानी, डेट मीन्स मॉस्किटो नेट। चार बच्चे को एकदम पोडियम के पास आगे स्टेज पे बुला करके और खड़ा करके, दो बॉयज एंड दो गर्ल्स को बुला करके और चारों कोने को पकड़वा करके मच्छरदानी पूरे क्लास में खड़ा करवा के, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, यू मस्ट यूज इट एंड सेव योर फैमिली। तो वो कहते थे कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, जितना अच्छे से आप इसके अंदर सोएंगे ना कोई झंझट ना कोई परेशानी। तो वो देखो कि तो, लेकिन आज के टाइम पे लोग उसको बांधना ये करना आलस में उस चीज को छोड़ देते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक छोटा सा वो आज तक उन्होंने ऐसा किया था, तो इसीलिए वो मेमोरी अभी तक हम लोगों के पास दिमाग में है कि उन्होंने कितना सिंपल वे में इस चीज को समझाने के लिए क्या किया। तो वही चीज है, आपको भी थोड़ा सा कुछ ऐसा सोचना है जिससे आपको ये पूरा चीज याद रहे। लेकिन चलिए नेक्स्ट अब हम लोगों को एक डिजीज देखना है, एस्पायरो चिटियल डिजीज। देखो दिस इज द डोमेन ऑफ बैक्टीरिया, या एक तरह के बैक्टीरिया का डोमेन है, डोमेन ऑफ यानी इस तरह का बैक्टीरिया ही है जो इस तरह चिटियल जो है, तो इसको अलग से करते हैं हम लोग, ठीक। अगर नहीं हो तो बैक्टीरिया का टॉपिक खोलोगी थोड़ा रिकॉल करेंगे। चलिए देखिए इसमें हम लोगों को जानना है सिफिलिस के बारे में, इसके बारे में सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस जो है फीमेल में और मेल में दोनों में होने वाला डिजीज है, और दोनों के जो खास करके कॉन्जेनाइटल डिजीज में से एक है, मतलब कहने का मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर इसके सिम्टम ज्यादातर दिखाई देते हैं, तो उसी चीज को थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। इसका जो पैथोजेन है वह है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ठीक है, यानी इसके जो ये सिफिलिस जो डिजीज हुआ इसका पैथोजेन
ट्रेपोनेमा पैलेडियम अब ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है इसका ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्चुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे शॉर्ट में हम लोग एसटीडी भी बोलते हैं वो पुराना होगा एसटीडी नहीं जिससे जाके फोन पे बात करें कॉल लगा के करते थे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये आप ध्यान में रखो और साथ ही साथ ये थ्रू प्लासेंटा भी होता है प्लासेंटा कहने का मतलब मदर टू फीटस भी हो सकता है मदर टू फीटस में भी ये हो सकता है उसके बाद इसका इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक का होता है कितना 2 से 3 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है किसका सिफिलिस का सिफिलिस एक्चुअली में वह 4 स्टेज में पाया जाता है यानी सिफिलिस अकर्स इन 4 स्टेज पहला जो होता है वह है प्राइमरी स्टेज प्राइमरी स्टेज का मतलब हुआ ठीक है तो इस स्टेज में क्या होगा कि इस स्टेज में एक पेनलेस ऐसा कि जिससे दर्द नहीं हो एक अल्सर का फॉर्मेशन होता है जिसे कॉन्क्री कहते हैं ठीक है तो यानी कि एक स्वेलिंग होगी अल्सर कहने का मतलब एक जख्म होना घाव जैसा तो वैसा होगा लेकिन उसमें दर्द नहीं होगा तो वो पेनलेस होता है और इसीलिए वो जख्म से अलग है तो उसका नाम पड़ गया है कॉन्क्रीट ठीक है तो ये जो प्राइमरी स्टेज है इसमें कॉन्क्रीट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है दो चीज इसमें याद रखना है एक में गुमास और दूसरे में कॉन्क्रीट तो प्राइमरी स्टेज में कॉन्क्रीट और टर्शियरी स्टेज जब आएंगे तो वहां पे आपको हम गुमास के बारे में बताएंगे तो वहां पे गुमास का फॉर्मेशन होता है तो ये जो प्राइमरी स्टेज है एक रेड अल्सर का फॉर्मेशन होता है पेनलेस जिसे हम लोग कहते हैं कैंक्रे रेड पेनलेस अल्सर अल्सर आर फॉर्म कॉल्ड CHAMCRE ठीक है ये प्राइमरी स्टेज के लिए हुआ उसके बाद में तब इसका आता है सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा सेकेंडरी स्टेज में फीवर होगा जॉइंट पेन होगा फीवर ज्वाइंट पेन हेडेक ये सारा चीज जो है बॉडी में खास करके ज्वाइंट पेन बढ़ जाता है तो ये सारा चीज जो है इसमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्वेलिंग ये जो पेनिस है स्वेलिंग इन यानी इन मेल और फीमेल करके हम लोग देखते हैं क्योंकि मेल में पेनिस में होगा और फीमेल में जो है वह उसके वेजाइना और सर्विक्स में होता है तो इसीलिए हम लोग इसमें मेल और फीमेल जो है वह अलग अलग करके देख लेते हैं तो इन मेल में क्या होगा पेनिस में तो इन मेल स्वेलिंग इन मेल या जो
कैंकरेज हुआ है ये कहाँ होगा, ये इसको हम यहीं पे कर देते हैं क्योंकि ये कहीं पर प्राइमरी में देता है कहीं पर सेकेंडरी में देता है, तो ये जो कैंकरेज है इसको हम लोग यहीं पर करते हैं इन मेल इन पेनिस एंड इन फीमेल इन वेजाइना एंड सर्विक्स। तो ये बात आपको यहीं पर कंप्लीट हो गया कि मेल में अलग, मेल में अगर पेनिस है तो पेनिस में, और फीमेल है तो उसके या तो वेजाइना पार्ट में और नहीं तो सर्विक्स पार्ट में या फिर दोनों पार्ट में ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है, यानी कैंकर का फॉर्मेशन या फिर स्वेलिंग ये सारा चीज जो है उसमें कंप्लीट देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो हेडेक वगैरह हो गया, साथ ही साथ इसमें जो लिम्फ नोड का साइज है वो बड़ा हो जाता है ऑफ लिम्फ नोड रैशेस ऑन बॉडी एंड बॉडी का कलर जो होगा वो थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा पिंकिश स्किन, क्योंकि रैसेज अगर ज्यादा आएंगे तो देखते हो कहीं पर अगर हमें ज्यादा कुछ खुजली करते हैं तो पूरा हल्का हल्का लाल लाल दिखाई देने लगता है, तो उसी को पिंकिश कलर यानी पिंकिश स्किन हम लोग बोल देते हैं। उसके बाद में देखिए थर्ड जो स्टेज है उसको कहते हैं हम लोग लैटेंट स्टेज। लैटेंट स्टेज में नो सिम्टम्स, यानी इसका कोई अपना पार्टिकुलर कोई सिम्टम्स नहीं होगा। उसके बाद में लैटेंट के बाद में तब क्या आएगा टर्शियरी सिम्टम्स। लैटेंट के बाद में टर्शियरी सिम्टम्स, तो क्या क्या यहां पर ये देखिए, पहले आपने प्राइमरी स्टेज देख लिया, सेकेंडरी स्टेज और ये लैटेंट स्टेज LATENT होगा, ये लैटेंट स्टेज। और लैटेंट स्टेज के बाद में लास्ट में जो है वह क्या होगा, तो वो होगा टर्शियरी स्टेज। जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहीं पर टर्शियरी होना चाहिए, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लैटेंट स्टेज आया क्योंकि यहाँ पर कोई सिम्टम्स नहीं आता है, इसका कोई इस स्टेज का अपना कोई पार्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है, तो इसलिए जो लास्ट वाला हुआ वो टर्शियरी स्टेज है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था गुमास का, तो ट्यूमर लाइक मासेस जो होते हैं वो बनते हैं इसमें जिसे गुमास कहते हैं। तो ये हो गया टर्शियरी स्टेज, टर्शियरी स्टेज में ट्यूमर लाइक गुमास आर फॉर्म। तो ये इसका टर्शियरी स्टेज का पार्ट हो गया, तो टर्शियरी स्टेज में इस तरह से ये बन गया गुमास का। उसके बाद डायग्नोस जो है, इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इसका डायग्नोस के लिए VDRS टेस्ट करके एक नाप है, डायग्नोज बाय VDRL, ये टेस्ट का नाम है, ठीक है VDRL टेस्ट। और ट्रीटमेंट में इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा करते हैं, और एंटीबायोटिक है लेकिन सबसे कॉमन जो है वह पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो ये सीरीज जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये इतना सारा चीज जो है वह सिफिलिस के लिए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये स्पाइरल किडनी जो डिजीज है इसमें, इसमें हम लोगों को सिर्फ यही एक डिजीज को देखना है,
इसलिए और भी बहुत कुछ ज्यादा डिजीज हमें नहीं देखना है। तो मेन जो है वो यही था, सिफिलिस का बात है। अब इसके आगे जो है वो हम लोगों को देखना है एमीबोसिस डिजीज वगैरह ये सब के बारे में। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट में उसको देखेंगे कि कौन सा डिजीज जो है वो, यानी कि इसमें